सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैमिन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज फिर आया हूं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, एक और नया क्वेश्चन। आज क्वेश्चन आया है नागालैंड से, नागालैंड से मैसेज किया है कम्बॉय ने, नाम बड़ा अमेजिंग है कम्बॉय, और उन्होंने पूछा है आज केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर। केमिकल कंपोजिशन, पहले हम लोगों ने बात की थी फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में बालों के, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बालों के केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देखते हैं केमिकल कंपोजिशन का या केमिकल कंपोनेंट्स के आपके क्या क्या हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सी का कार्बन, जैसे हम लोग ने बताया कॉन्स, तो कॉन्स के में सबसे पहले आएगा आपका सी। कार्बन है 51%, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 17%, हाइड्रोजन है 6% और सल्फर है 5%। कार्बन 51%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 17%, हाइड्रोजन 6% एंड सल्फर 5%। तो ये है हमारे केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोजिशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, लेकिन जाने से पहले इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि ये जितने भी हमारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोजिशंस हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे आप कलर करोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे अगर आपको इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग पता करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन। उसमें सैम मैम ने इतना डिटेलिंग में बताया है, इतना डिटेलिंग में बताया कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतने ईजी वे में कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समझ लेगा। अभी जैसे इन सब चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं ना, केमिकल की चीज़ों को, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सैम मैम जब बताते हैं ना तो बहुत इजी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को हेयर साइंस के लिए, सैम मैम की हेयर साइंस के लिए ज़रूर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे हमारे हेयर कट्स, ब्लो ड्राइज, कलर, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स, बहुत सारी चीज़ें। 3 महीने का है विद सर्टिफिकेट है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहती है, 2 घंटे की क्लास रहती है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कम्बॉय आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में एक और नए क्वेश्चन के आंसर के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।